हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में बात करने वाले हैं ब्रिक बॉन्ड्स के बारे में। तो जानेंगे इस लेक्चर में कि ब्रिक बॉन्ड्स क्या होते हैं और इनको ब्रिक मैजनरी के अंदर बनाना क्यों आवश्यक है। अगर हम नहीं बनाएंगे ब्रिक बॉन्ड्स तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इस स्ट्रक्चर में, और साथ साथ बात करेंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड पर जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे ब्रिक बॉन्ड्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि ब्रिक बॉन्ड्स क्या है। देखिए, ब्रिक बॉन्ड क्या है, जब हम ईंट चिनाई करते हैं तो उसमें ब्रिक बॉन्ड बनाए जाते हैं। तो ब्रिक बॉन्ड क्या है, ब्रिक बॉन्ड एक हमारी ऐसी अरेंजमेंट है, एक ऐसी व्यवस्था है ईंट चिनाई के अंतर्गत, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें वर्टिकल जॉइंट्स को अवॉइड किया जाता है। समझ में आया नहीं आया तो देखिए, अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे और इसके रीजन भी समझ पाएंगे आखिर हम बना क्यों रहे हैं ब्रिक बॉन्ड्स। देखें, अब ये तो जानते ही होंगे कि ब्रिक में, ये हमारा ब्रिक मैंने यहां पर दिखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक है जिसका साइज हमारा 20x10x10 है। तो अब इसमें इस सरफेस को, ब्रिक की इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचर। ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, पूरी सरफेस हमारी क्या है, ये हमारी स्ट्रेचर सरफेस है। तो इस सरफेस के बाद जो आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये वाली सरफेस से क्या कहते हैं, इसे हेडर सरफेस कहते हैं। यानी ये पार्ट हमारा ब्रिक का हेडर है और ये कौन सा हमारा स्ट्रेचर सरफेस है। तो अब हमने क्या किया, ईंट को चिनाई करना स्टार्ट किया। देखो ध्यान समझेंगे इसको, ईंट को हमने चिनना स्टार्ट किया तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रिक की हमारी ये सरफेस स्ट्रेचर है और ये सरफेस हमारी हेडर है। तो हमने क्या किया, ईंट को स्ट्रेचर पर हमने लगाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट कोर्स है, जो पहला रद्दा लगाया हमने, जो फर्स्ट कोर्स हमने लगाया था, उस केस में हमने क्या किया, यहां पर हमने ब्रिक को इस तरीके से लेट किया कि हमें यहां पर स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, यहां पर भी स्ट्रेचर और यहां पर भी स्ट्रेचर। अब आप सपोज करो दूसरी बाली, आप जब दूसरा रद्दा इसके ऊपर चिनेंगे, यानी आपने क्या किया, एक दीवार बनाना चाहते हैं आप और इस तरीके से ईंटों को रखते चले गए यहां पर और इस तरीके से लगातार आप मसाले द्वारा आप चिनाई करते चले गए। लेकिन जब दूसरे रद्दे की बारी आई तो अब आपने क्या किया, आपने फिर दोबारा से ईंट को यहीं पर लगाना स्टार्ट कर दिया। ये तो यहां पर भी स्ट्रेचर, यहां पर भी स्ट्रेचर, तो ये भी हमारा स्ट्रेचर आ गया, ये भी स्ट्रेचर आ गया, ये भी स्ट्रेचर आ गया। फिर इसी प्रकार आपने जब तीसरे रद्दे में यही किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर भी स्ट्रेचर, यहां पर भी स्ट्रेचर, यहां पर भी स्ट्रक्चर। तो ये हमारा चिनाई का तरीका क्या है, ये गलत तरीका है, ये हमारा क्या है, एक रॉन्ग वे है। तो हमें इस तरीके से चिनाई नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरीके से चिनाई कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, तो देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा कि जिस रद्दे पर आप, यहां पर हमारा लोड आया ऊपर से, जब लोड आएगा तो क्या होगा, यहां पर आप देख रहे हैं एक वर्टिकल जॉइंट्स बन गया, यहां पर वर्टिकल जॉइंट बन गया और यहीं पर हमारा क्या है, जो जॉइंट बना हुआ है, इस जॉइंट पर जैसे ही लोड आएगा तो ये पूरा हिस्सा हमारा, जो वर्टिकल जॉइंट्स के अबाउट हमारा क्या होगा, ये हमें कुछ नीचे इस तरीके से धंसा हुआ दिखाई देगा, ये धंस जाएगा यहां पर। यानी ये हमारा इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें कि हमारा जो बॉन्ड है वो ये किस तरीके से आएगा, ऐसे हमें देखने को मिलेगा। यानी आप देख रहे हैं कि हमारा जो लोड आते ही, हमने क्या देखा कि लोड आते ही हमारा ये वाला हिस्सा इसी वर्टिकल जॉइंट्स के थ्रू कहां पर आ गया, नीचे की तरफ आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जहां हमारा जॉइंट करते हैं हम ब्रिक को, उसको हमें वर्टिकल जॉइंट्स नहीं आने देना चाहिए था, क्योंकि यहीं पर हमारा ये सबसे वीक पोर्शन बन जाएगा अगर हम वर्टिकल जॉइंट आने देंगे। तो अब देखिए ध्यान समझेंगे इस बात को, अब हमने क्या किया, जब यहां पर हमने स्ट्रक्चर को, जब हमने ईंट से चिनाई किया तो हमने देखा कि यहां पर वर्टिकल जॉइंट्स आ गया है। तो वर्टिकल जॉइंट्स का मतलब यह है कि जब भी आप ईंट रख रहे हैं तो आप यहां मसाला लगा रहे हैं, फिर ईंट रख रखे फिर आप यहां मसाला लगा रहे हैं, इसी तरह से। तो यहां पर हमने मसाले वाली जो पूरी वर्टिकल जो लाइन बन जाएगी, जो हमारे वर्टिकल जो लाइन बनी हुई है, इस वर्टिकल लाइन पर, यानी वर्टिकल जो जॉइंट्स हमारा पूरा एक साथ बन गया है, इसको हमें अवॉइड करना है। हम नहीं चाहते कि ये इस तरीके से रहे, तो इसको अवॉइड करना ही क्या कहलाता है, हमारा ब्रिक बॉन्ड। तो ब्रिक बॉन्ड की मदद से हम क्या करते हैं, इनको आरम्भ कर, तो ये कहेंगे हम कि ईंट चिनाई के अंतर्गत ब्रिक बॉन्ड एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, इन आने वाले वर्टिकल जॉइंट्स को हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो ये वाला हमारा तरीका कैसा हो गया, गलत हो गया। यानी हमें इस तरीके से चिनाई नहीं करनी चाहिए, अगर करेंगे तो हमारे स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा कि हमारी वो वर्टिकल जॉइंट्स के अबाउट हमें यहां पर हमें फेलियर देखने को मिल सकता है। तो अब हमें कैसे करनी चाहिए फिर, तो अब करते क्या है, हम ब्रिक बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर जैसे हमारे कुछ ईंट के, हमारे कुछ ऐसे हम पार्ट बना लेते हैं जिनके मदद से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने क्या किया, ईंट चिनाई करने से पहले या तो 3x4 ब्रिक या फिर हाफ ब्रिक या फिर कोई क्यून क्लोजर मैंने यहां पर यूज किया, और मैंने पहले क्या किया, यहां पर मैंने एक अद्धा लगा दिया, अद्धा का मतलब है हाफ ब्रिक यहां पर लगा दी मैंने,
पहला वाला तो रद्दा मैंने ऐसे चन लिया, यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर आ गया, दूसरा स्ट्रक्चर आ गया, तीसरा स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब अगली ब्रिक यहाँ पर रखी जाए तो अगली ब्रिक रखने से पहले ये वर्टिकल जॉइंट नहीं आना चाहिए। तो वर्टिकल जॉइंट जब नहीं आया, कब नहीं आएगा, जब हमें ईंट को इन यहाँ से लेके यहाँ तक रखेंगे। तो अब हमने क्या किया, पहले अद्धा रख दिया यानी हाफ ब्रिक रख दी और हमने यहाँ पर मोर्टार लगा दिया यानी मसाला यहाँ पर लगा दिया। अब आप जब अगली ईंट रखेंगे तो वो ईंट कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर, फिर हमने यहाँ मसाला लगा दिया। फिर जब आप नेक्स्ट ईंट रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अद्धा लगा देंगे। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारा वर्टिकल जॉइंट तो यहाँ था लेकिन ये जॉइंट हमारा यहाँ पहुँच गया। अब आगे देखते हैं, इसके ऊपर वाला अद्धा कैसे चिन्हेंगे, बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेचर फिर स्ट्रेचर फिर स्ट्रेचर। तो अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि जो कहीं पर भी हमें वर्टिकल जॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर जॉइंट यहाँ है पर यहाँ नहीं है, यहाँ ब्रेक आ गई यहाँ जॉइंट आ गया, यहाँ पर जॉइंट है यहाँ ब्रेक है यहाँ ब्रेक है। तो जो लोड आएगा हमारा, अब वो लोड हमारा चारों तरफ हमारा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यानी आप ये कहेंगे कि पंचिंग टाइप का लोड नहीं रहेगा जो कि इस वर्टिकल जॉइंट्स को हमें क्या कर दे, फेलियर कर दे। तो ये तो था हमारा इंपॉर्टेंस, हमें क्यों बनाना चाहिए। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ब्रिक बॉन्ड ईंट चिनाई में की जाने वाली एक ऐसी अरेंजमेंट है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्टिकल जॉइंट को अवॉइड करते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ब्रिक बॉन्ड बनाना चाहिए। अब ब्रिक बॉन्ड हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं, हम समझेंगे इस डायग्राम की मदद से डिटेल में। तो देखिए, अब चलते हैं ब्रिक बॉन्ड के क्लासिफिकेशन पर, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इंग्लिश बॉन्ड। अब इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, देखिए ये हमने यहाँ पर पहला तीसरा और पांचवा, यानी हमने पहला रद्दा ये वाला, फिर तीसरा रद्दा, और इसी तरह से हमारे अलग अलग टाइप के हमारे जो कोर्स होंगे वो हम चिन्हे, जब मिस्त्री चिनाई करता है, जब मेजरर हमारा क्या करेगा, जब चिनाई करेगा तो पहले पहला रद्दा चिनाई करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से लेयर वाइज चलेगा। तो पहला रद्दा ये, दूसरा रद्दा ये, तीसरा रद्दा ये, चौथा रद्दा ये, पांचवा रद्दा ये, छठा रद्दा ये, इस तरीके से वो चिनाई करता हुआ जाएगा। तो कैसा अरेंजमेंट होगा और इंग्लिश बॉन्ड क्या है, तो देखिए इंग्लिश बॉन्ड हमारा क्या होता है, ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर एक ही रद्दे में क्या होते हैं, या तो हेडर हेडर आते हैं यानी कि दीवार की फेस पर। चलो एक और समझाते हैं कि फेस क्या है दीवार का, जो हमें दीवार के जब हम सामने खड़े होकर देखते हैं तो हमें जो बाहर से जो सरफेस दिखाई देती है वो हमारा क्या है, फेस है। जो नहीं दिखाई देती वो क्या है, हमारा बैक है। तो दीवार की जो हमने सरफेस देखी, सपोज कीजिए यही एक दीवार है और यहाँ पर हमें सामने से दिखाई दे रहा वो क्या है, फेस है। इसके बैक में जो है वो हमारा क्या है, इसका हमारा बैक है। तो अब फेस में हमने देखा, यानी फेस में हम ये देखें कि फेस में एक ही रद्दे में या तो आपको स्ट्रेचर स्ट्रेचर दिखाई दे या सिर्फ ओनली हेड हेड दिखाई दे, तो उस केस में हम कहते हैं उसे इंग्लिश बॉन्ड। तो यही कहेंगे कि इंग्लिश बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके एक ही रद्दे में या तो ओनली हेडर हेडर दिखाई देते हैं, यानी या तो आपको सिर्फ हेडर हेडर दिखाई देंगे, यानी आपको इस तरह से हेडर हेडर दिखाई देते चले जाएंगे, और या फिर हमें स्ट्रेचर स्ट्रेचर दिखाई देते चलाएंगे। तो अब आप सपोज कीजिए आप एक ऑब्जर्वर और आप यहां पर खड़े हुए हैं बाहर और यहां पर आप सरफेस देख रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि एक ही रद्दे में यहां पर हमारा, मैंने अभी क्या बताया कि ब्रिक के इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। यानी हमने क्या किया, ब्रिक को इस तरीके से लगा रखा और आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से ये आपको ये हेडर दिखाई दे रहा होगा। दोबारा समझिए, हमने ईंट कैसे लगा रखी है, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से हमने ईंट लगा रखी है ऐसे ऐसे लगातार, और आप कैसे देख रहे हैं, इस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं, तो आपको ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है हेडर हेडर। यानी हम ये कह रहे हैं कि आपको पहले रद्दे में सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, हेडर 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 हेडर, यानी कि दीवार के एक ही फेस में, यानी इधर से हम देखने पर हमने देखा कि एक ही फेस में क्या हो, यानी एक ही फेस के एक ही रद्दे में या तो आपको सिर्फ हेडर दिखाई दे या ओनली स्ट्रेचर दिखाई दे। तो पहले रद्दे में हेडर हेडर दिखाई दी, फिर हमने दूसरा चिनाई किया इसके ऊपर, जब हमने दूसरा रद्दा चिना तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर स्ट्रेचर दिखाई दे, स्ट्रेचर स्ट्रेचर, यानी दूसरे रद्दे में सिर्फ हमें क्या दिखाई दे, स्ट्रेचर स्ट्रेचर दिखाई दे। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इस इंग्लिश बॉन्ड को बनाने के लिए, इसके जॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज किया, ये क्यून क्लोजर यूज किया, ये हमारा क्या लगा है बीच में, क्यून क्लोजर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश बॉन्ड के अंतर्गत हमारे आने वाले वर्टिकल जॉइंट्स को रिड्यूस करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यून क्लोजर का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि एक ही रद्दे में या तो हेडर हेडर है या फिर स्ट्रेचर स्ट्रेचर है, पहला रद्दा ये, दूसरा ये, फिर उससे ऊपर वाले रद्दे में क्या होगा, तीसरे में फिर हेडर हेडर, फिर चौथे में स्ट्रेचर स्ट्रेचर, इसी तरीके से ये हमारा सीरियल वाइज हमारा चलता चला जाएगा। इस डायग्राम को आप समझो 3D डायग्राम से, आप देख पा रहे होंगे सबसे टॉप सरफेस को देख लो, एक रद्दा देख लो ऊपर वाला,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो आपको इधर से देख रहे हैं आप, ये दीवार आप यहाँ पर खड़े हुए हैं बाहर, आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हेडर 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 हेडर, यानी आपको हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, एक कोर्स में सिर्फ एक रद्दा देखना है आपको। ये तो हमने जो बना रखे हैं वो क्या बना रखे हैं, प्लान, ऊपर से देख के हमने ये बना रखा है। तो यहाँ पर आप यही वाला पिक्चर आप देखें, 1 2 3 4 ये वाली जो पूरा स्ट्रक्चर हमें यही दिखाई दे रहा होगा, देखो इस टाइप ये बार पूरा इस तरह से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको हेडर हेडर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको हेडर हेडर दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से टॉप व्यू है ये बनाया हमने, ये क्या चीज़ है, प्लान है। तो जब हमने ऐसे देखा तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर ही हमारे हेडर हेडर आ रहे हैं, और बीच में आपको रेड कलर का क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्यू इनक्लोजर लगा हुआ है। क्यों लगा रहे हैं क्यू इनक्लोजर, क्योंकि हमें वर्टिकल जॉइंट्स को अवॉइड करना है। अब आप इससे नीचे वाला रद्दा देखें, आप नीचे वाला रद्दे में देख रहे हैं कि ब्लैक कलर का पूरा स्ट्रक्चर है, ये व्हाइट स्ट्रक्चर फिर ये ब्लैक स्ट्रक्चर, मैंने अलग अलग कलर पहचानने के लिख रखा है, बना रखा है इस तरीके से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, फिर आप नीचे देख रहे हैं कि हेडर 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 हेडर, फिर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, यानी कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम की मदद से कि हम या तो एक ही रद्दे में हेडर हेडर देख पाएंगे, जैसा कि इस रद्दे में हम देख पा रहे हैं सिर्फ हेडर हेडर, इस रद्दे में देख पा रहे हैं स्ट्रेचर स्ट्रेचर, इस रद्दे में देख पा रहे हैं हेडर हेडर, इसमें स्ट्रेचर स्ट्रेचर, इसमें हेडर हेडर। तो अब आपके समझ में आ गया वो कंप्लीटली कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, यानी इंग्लिश बॉन्ड हमारा क्या है, ऐसे ब्रिक मेजनरी बनाए जाने वाला इंग्लिश बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर एक ही कोर्स में या तो ओनली हेडर आते हैं या ओनली स्ट्रेचर आते हैं, दोनों नहीं हो सकते। तो अब आप देखें इंग्लिश बॉन्ड में एक ही कोर्स में हेडर या स्ट्रेचर होते हैं, इसको आप देखें इंग्लिश बॉन्ड को बनाने के लिए कम से कम, आप देखें इस बात ये क्या लिखी हुई है, यहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप इंग्लिश बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको ब्रिक बॉल की जो थिकनेस रखनी होगी वो हमारी कितनी होगी, एक ईंट की दीवार आपको बनानी पड़ेगी, तब जाके आप हेडर हेडर और स्ट्रक्चर इस सरफेस पर ला सकते हैं, बाकी हमारे पास और कोई तरीका नहीं होगा कि हम ब्रिक मेजरमेंट बनी, हमें क्या करना होगा, एक ईंट की दीवार कम से कम बनानी होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इंग्लिश बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने एमएम की थिकनेस, तो 200 mm यानी कि 20 cm, यानी कि एक ईंट की दीवार हमें बनाना जरूरी होगा। आगे देखें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन ऑफ फ्लेमिस, देखिए इसमें क्या होता है हमारा ये जो बॉन्ड है इसमें हमारे जॉइंट्स काफी कम होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ फ्लेमिस बॉन्ड, तो जॉइंट्स जब कम होंगे तो हमें स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो देखें कि अब इसमें यहाँ पर आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लिश बॉन्ड, ये हम अक्सर पूछ रहा है देखते हैं दिल मिलता है हमें ये, तो इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है हमारा, इंग्लिश बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, तो यहाँ पर हमारा किसके फ्लेमिस के कंपैरिजन में हमारा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दूसरा नेक्स्ट का हमारा क्या है कि इसके अंदर हमने वर्टिकल जॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए क्या कर रखा है, हमने क्यून क्लोजर को यूज कर रखा है, तो क्यून क्लोजर इज यूज टू ब्रेक द वर्टिकल जॉइंट्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि हमारा इंग्लिश बॉन्ड क्या है। अब चलते हैं फ्लेमिस बॉन्ड पर, अब फ्लेमिस बॉन्ड में क्या होगा, देखो फ्लेमिस बॉन्ड में कि एक ही रद्दे में अगर स्ट्रेचर भी आए एंड हेडर भी आए, यानी अल्टरनेटली एक ही कोर्स में, इसमें एक कोर्स में या तो सिर्फ हेडर थे या फिर सिर्फ स्ट्रेचर थे, लेकिन यहां पर क्या होगा, एक ही रद्दे में हेडर भी आएगा, उसके बाद स्ट्रेचर आएगा, फिर हेडर आएगा, फिर स्ट्रेचर आएगा, यानी हमें कुछ व्यू ऐसे देखने को मिलेगा, पहले स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि फ्लेमिस बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक ही रद्दे में एक ही कोर्स में हमें स्ट्रेचर भी देखने को मिलता है एंड हेडर भी देखने को मिलता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस फ्लेमिस बॉन्ड कहते हैं, इसको डच बॉन्ड भी बोला जाता है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि फ्लेमिस बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसके एक ही कोर्स में स्ट्रेचर और हेडर दोनों आते हैं, इंग्लिश बॉन्ड के कंपैरिजन में इकोनॉमिकल है। अच्छा अब बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि हमारा फ्लेमिस बॉन्ड, अभी दो पॉइंट्स पर अभी बात करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं कि हमारा फ्लेमिस बॉन्ड कितने प्रकार का होता है। देखिए अब फ्लेमिस बॉन्ड हमारा दो प्रकार का है, सिंगल फ्लेमिस बॉन्ड एंड डबल फ्लेमिस बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिस बॉन्ड किसे कहते हैं, सिंगल फ्लेमिस बॉन्ड का मतलब होगा कि आपके, मैंने अभी आपको बताया कि दीवार का एक सामने वाला फेस है और पीछे वाला बैक है, यानी हम देखें कि फेस पर देखें तो फ्लेमिस व्यू दिखाई दे, यानी फ्लेमिस दिखाई दे हमें कि स्ट्रेचर भी है हेडर भी है, स्ट्रेचर भी है हेडर भी है एक ही रोस में, लेकिन जब उसके बैक में देखें तो वहां पर इंग्लिश व्यू दिखाई दे। इंग्लिश व्यू का मतलब यह है कि या तो हमें स्ट्रेचर स्ट्रेचर दिखाई दे या फिर सिर्फ हेडर हेडर दिखाई दे। तो समझें देखो जरा, यानी कि आप ये कहेंगे कि सिंगल फ्लेमिस बॉन्ड या फ्लेमिस बॉन्ड क्या है, आपको समझ में आया कि उसके एक ही कोर्स में हेडर भी आना चाहिए स्ट्रेचर भी आना चाहिए, पहले इसको सेटिस्फाई होते हैं। देखो अब जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप देखें यहाँ पर, आप यहाँ पर मैंने कहा आप ऑब्जर्वर हैं, आप इस तरीके से देख रहे हैं, अब आप ऐसे देखें, जब आप ऐसे देख पाएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रेचर
फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। यानी कि हम ये कहते हैं कि एक ही कोर्स में, एक ही रद्दे में स्ट्रेचर भी आए, फिर हेडर भी आए, स्ट्रेचर भी आए, हेडर भी आए, दोनों ही आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। अब फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, ये तो हो गया हमारा फेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बैक। तो अब आप जरा बैक में जाके देखिए, बैक में जाकर आप देख रहे हैं तो आपने क्या पाया कि हेडर 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 हेडर। ये तो इंग्लिश व्यू की कहानी हो गई, यानी ये तो हमारा इंग्लिश व्यू को फॉलो कर रहा है। तो यानी कि इसीलिए इसको बोला है कि सिंगल फ्लेमिश, यानी आगे आगे भी फ्लेमिश हो, पीछे ही फ्लेमिश हो, यानी फ्रंट में भी, फेस में भी फ्लेमिश दिखाई दे, बैक में फ्लेमिश दिखाई दे, तो हमारा कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? वो डबल फ्लेमिश बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन एक ही तरफ हमारा फ्लेमिश व्यू दिखाई दे और एक तरफ हमारा इंग्लिश व्यू दिखाई दे तो उसे कहते हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ध्यान समझेंगे जरा कि एक ही सरफेस पर, फेस पर आप देख रहे हैं तो हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर आ रहा है, तो ये तो हमारा फ्लेमिश हो गया। लेकिन हमने जैसे ही बैक में देखा, हमने देखा वो तो इंग्लिश व्यू है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट है ब्रिक मेसनरी के अंतर्गत जिसके फेस में तो हमें फ्लेमिश दिखाई दे बट बैक में हमें इंग्लिश बॉन्ड की इमेज दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेमिश, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। यानी कि व्हेन फ्लेमिश व्यू इज शोइंग ओनली इन फेस, यानी कि हमें फ्लेमिश व्यू दिखाई दे रहा है सिर्फ फेस में, बट नॉट इन बैक ऑफ वॉल, लेकिन दीवार के बैक में नहीं, बैक में हमें फ्लेमिश नहीं दिखाई दे रहा, बैक में हमें इंग्लिश दिखाई दे रहा है। या आप ये कहेंगे कि व्हेन ए डिफरेंट व्यू इज शोइंग ऑन द फेस एंड बैक ऑफ द वॉल, यानी कि दीवार के फेस में और बैक में हमें क्या दिखाई दे? अलग अलग व्यू दिखाई दे, एक तरफ हमें फ्लेमिश, दूसरी तरफ हमें इंग्लिश दिखाई दे, तो उसे हम कहते हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। अब देखिए, फेस में हमें फ्लेमिश और बैक में हमें इंग्लिश दिखाई दे रहा है, तो उसे कहेंगे सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड को बनाने के लिए कम से कम हमें हाफ एंड वन एंड हाफ ब्रिक, यानी कि डेढ़ ब्रिक की वॉल हमें बनानी जरूरी होगी, इससे कम पर हमारा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड नहीं बन सकता। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब आगे आते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड पर। डबल फ्लेमिश बॉन्ड इजी है बहुत, दीवार के फेस में भी और बैक में भी फ्लेमिश व्यू दिखाई दे। फ्लेमिश व्यू क्या होता है कि एक ही कोर्स में हेडर भी दिखाई दे, स्ट्रेचर भी दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? डबल फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। तो व्हेन फ्लेमिश व्यू इज शोइंग ऑन द फेस एंड ऑल्सो इन बैक ऑफ बॉल, यानी कि हमारा फ्लेमिश व्यू फेस में भी है, बैक में भी है। जैसे कि अब यहां से समझे, आप एक ऑब्जर्वर हैं, आप देखने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि इसका आप सामने से देख रहे हैं, तो आपने देखा कि हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर आ रहा है, यानी कि मतलब फ्लेमिश है। जब आपने बैक में देखा, इधर से देखा, तो आपको यहां पर स्ट्रेचर हेडर आगे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दीवार को चाहे फेस से देखा जाए, बैक में देखा जाए, हमें फ्लेमिश बॉन्ड दिखाई दे रहा है, फ्लेमिश व्यू दिखाई दे रहा है, हेडर भी आ रहा है, स्ट्रेचर भी आ रहा है, तो इसे कहते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा, जब वॉल के फेस एंड बैक दोनों तरफ फ्लेमिश व्यू दिखाई दे, यानी फेस में भी और बैक में भी दो फ्लेमिश व्यू दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? डबल फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। डबल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी मेड ऑफ वन ब्रिक वॉल, यानी कि कम से कम इसको बनाने के लिए हमें एक ईंट की दीवार चाहिए, उससे कम पर नहीं बन पाएगा। तो ये हमारा पहला कोर्स, ये हमारा दूसरा कोर्स, ये हमारा तीसरा, फिर चौथा। ये पहला दूसरा तीसरा ये हमारा जब कर रहे हैं हम, जो ब्रिक देखिए यहाँ पर क्यों क्लोजर इस तरीके से लगा रखा है यहाँ पर, इन सब का सिर्फ मतलब एक ही है कि हम वर्टिकल जॉइंट्स को अवॉइड कर रहे हैं। फिलहाल में आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारा डबल फ्लेमिश बॉन्ड किसे कहते हैं एंड फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड किसे कहते हैं। अब आते हैं आगे, हमारा क्यून क्लोजर इज, क्यून क्लोजर क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्यून क्लोजर और हाफ बैट या वन थ्री एंड थ्री एंड थ्री फोर्थ ब्रिक, यानी पौना अद्धा और क्यून क्लोजर हम यूज कर क्यों रहे हैं? टू रिड्यूस, टू अवॉइड द वर्टिकल जॉइंट्स। तो ये था हमारा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, ये था हमारा डबल फ्लेमिश बॉन्ड। अब चलते हैं आगे, और कौन कौन से बॉन्ड्स हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है, देखने को मिलते हैं हमें ये क्वेश्चंस कंपटीशन वगैरह में। अच्छा, अब डबल फ्लेमिश, हमारा जो फ्लेमिश बॉन्ड है ये कैसा है? हमारा कंपैरिजन इकोनॉमिकल है। क्यों इकोनॉमिकल है? क्योंकि देखिए, जब हम देखते हैं कि ईंट वगैरह जब हम लाते हैं तो टूट फूट होती है ब्रिक वगैरह की, तो इस बॉन्ड में अद्धा पौना ये बहुत सारा यूज होता है, तो इसलिए बोला है कि वो सब चीज़ हमारी खपत हो जाती है, तो हमारा ये इकोनॉमिकल तो है और सुंदर भी लगता है देखने में, यानी बनने के बाद ये अच्छा लगता है देखने में, गुड इसकी लुकिंग होती है। तो फ्लेमिश वाले की थोड़ा सा वीक होता है इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश बॉन्ड। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड कौन सा होगा? जैसे मैंने अभी बनाया था, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि एक स्ट्रेचर फिर स्ट्रेचर फिर स्ट्रेच, आपने देखे इस डायग्राम को अगर ध्यान से, यहाँ पर स्ट्रेचर है, यहाँ पर भी स्ट्रेचर है, यहाँ पर भी स्ट्रेचर है, वर्टिकल जॉइंट को अवॉइड करने के लिए अद्धा लगा दिया, पर स्ट्रेचर यहाँ पर भी है, स्ट्रेचर यहाँ पर भी है, स्ट्रेचर यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी स्ट्रेचर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं
अगर किसी भी दीवार के फेस या बैक में देखने पर हमें ब्रिक की सिर्फ स्ट्रेचर दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। तो इसको बनाने के लिए कम से कम आपको अब एक इस तरीके से आप ईंट रख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी थिकनेस होनी चाहिए, हाफ ब्रिक में बन जाएगा ये हमारा। तो ये हमारा क्या हाफ ब्रिक में बन सकता है। तो अब आप इसके डायग्राम में कुछ डेफिनेशंस लिख रखे हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड को हम रनिंग बॉन्ड भी कहते हैं। मिनिमम हाफ ब्रिक बॉल चाहिए इसको बनाने के लिए, यानी अब अगर हम हाफ ब्रिक बॉल बनाना अगर हम हाफ ब्रिक बॉल बना रहे हैं तो हम वी कैन मेड स्ट्रेचर बॉन्ड, यानी हम क्या कर सकते हैं हम स्ट्रेचर बॉन्ड को बना सकते हैं। When brick are laid only their stretcher in the face, यानी ये वही बात कह रहा है कि जब हमारे दीवार में ब्रिक को इस तरीके से आप सेट कर रहे हैं, इस तरीके से बिछा रहे हैं, इस तरीके से लगा रहे हैं कि आपको सिर्फ स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, दीवार के फेस में ओनली स्ट्रेचर दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। इसी तरीके से हेडर बॉन्ड क्या है, यानी अब आप जब दीवार के फेस में देखें आपको सिर्फ हेडर हेडर दिखाई दे तो ये भी हेडर है, 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 3x4 लगा दिया वर्टिकल जॉइंट को रिड्यूस करने के लिए, फिर यहाँ पर हमने ये देखा ये यहाँ पर सब जगह क्या दिखाई दे रहा है हेडर। यानी आप ये कहेंगे कि अगर हम दीवार में ईंटों को इस तरीके से लगाएं हेडर 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 तो आप देख पाएंगे कि आपको कम से कम कितनी चौड़ाई चाहिए दीवार को बनाने के लिए, वन ब्रिक। तो यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमारा हेडर बॉन्ड इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ब्रिक बॉल, यानी इसको बनाने के लिए हमें एक ब्रिक बॉल हमें बनानी पड़ेगी, एक ब्रिक की थिकनेस यानी 20 सेंटीमीटर की हमें बॉल बनानी पड़ेगी। आगे चलते हैं कि यानी जब दीवार में हमें देखने पर क्या दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ हेडर दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं हेडर बॉन्ड। यानी अगर आप किसी दीवार में देख पा रहे हैं और आपने देखा कि हमें सिर्फ हेडर दिखाई दे रहे हैं तब उसे कहते हैं हम हेडर बॉन्ड। और हेडर बॉन्ड में हम वर्टिकल जॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, 3x4 ब्रिक। 3x4 ब्रिक इज यूज टू ब्रेक द वर्टिकल जॉइंट्स इन बॉल। इन हेडर बॉन्ड ऑल द ब्रिक्स आर ईच कोर्स आर प्लेस्ड एज ए हेडर इन द फेस ऑफ बॉल। ये लिख रहे हैं ये हमने ये लिखा हुआ है कि दीवार में जब हम ब्रिक को बिछा रहे हैं तो हम कुछ इस तरीके से बिछा रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, हेडर व्यू दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ हेडर हेडर दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए हमें कम से कम वन ब्रिक की थिकनेस दिखाई देगी और हमें 3x4 बैट यूज करना पड़ेगा टू अवॉइड द वर्टिकल जॉइंट्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपकी ये क्लास समझ में आई होगी पूरी। कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, सारे कंपटीशन में आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे जब आप क्वेश्चंस कर लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।